पूरे दिन की भागदौड़ के बाद हमें इंतजार रहता है रात का, ताकि बिस्तर पर जाकर आराम की नींद ली जा सके। सोचिए अगर रात ना हो तो कैसा होगा आपका जीवन। आज हम आपको ऐसे ही एक देश के बारे में बताने जा रहे हैं जहां केवल 40 मिनट की ही रात होती है। हम बात कर रहे हैं यूरोप के एक देश नॉर्वे के बारे में, जिसे सूर्योदय का देश कहा जाता है। नॉर्वे, जिसे दुनिया के सबसे खुशहाल और खूबसूरत देशों में से एक माना जाता है, उसे प्रकृति ने दिलकश नजारों से भर रखा है। आइए जानते हैं इस शानदार देश से जुड़ी कुछ बहुत ही मजेदार बातें। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। नॉर्वे दुनिया का एक ऐसा देश है जहां रात को भी सूरज दिखाई देता है, इसलिए इसे उगते हुए सूरज की भूमि भी कहा जाता है। उत्तरी ध्रुव के पास स्थित होने के कारण यह बहुत ठंडा, बर्फीला और ग्लेशियर्स से भरा देश है, और यही इस देश की खूबसूरती का मुख्य कारण है। यहाँ के उत्तरी भाग में रात के 12:43 पर सूरज छिपता है और महज 40 मिनट के अंतराल पे उग भी आता है। आपको बता दें कि नॉर्वे में गर्मियों के दिन मई से जुलाई तक कभी सूर्य अस्त होता ही नहीं। सबसे बड़ी खास बात यह है कि सर्दियों के 2 महीनों में यहाँ सूर्य के दर्शन ही नहीं हो पाते हैं। इसका मतलब इस समय यहाँ पर पूरी तरह रात रहती है। नॉर्वे की खूबसूरती हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती है। इस देश का शुमार दुनिया के अमीर मुल्कों में होता है। छोटा देश होने के बावजूद नॉर्वे की गिनती धनी देशों में होती है, और ग्लोबल पीस इंडेक्स में इस देश को यूरोप का सबसे शांतिपूर्ण देश बताया गया है। इन तमाम बातों के बीच नॉर्वे की सबसे बड़ी खूबी है उसकी प्राकृतिक सुंदरता। कुदरत इस देश पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान है, जिसके चलते यहाँ पर कई सारे खूबसूरत और दिलकश नजारे देखने को मिलते हैं। इसी वजह से हर साल लाखों पर्यटक भी यहाँ घूमने आते हैं। यहाँ आप कुदरत के ऐसे अद्भुत नजारों का मजा ले सकते हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। यहाँ आप अपनी इच्छा अनुसार साइकिल टूर, फिशिंग और गोल्फिंग जैसी चीजों का भी आनंद उठा सकते हैं। नॉर्वे में वेश्यावृत्ति कानूनी तरीके से इलीगल है। यहाँ देह व्यापार को नियंत्रित करने के लिए कड़े नियम लागू हैं। यहाँ के कानून के तहत सेक्स के लिए पैसा देना अपराध है। ये देश यौन कर्मियों को अपराधी ना कहकर देह व्यापार पर लगाम कसने की कोशिश कर रहा है। नॉर्वे के नागरिक दुनिया में किसी भी दूसरे देश के मुकाबले ज्यादा किताबें पढ़ते हैं। यहाँ हर साल 2000 से ज्यादा किताबें प्रकाशित होती हैं। नॉर्वे भले ही दुनिया में सबसे अधिक पेट्रोलियम पदार्थों के उत्पादक देशों में से एक हो, लेकिन यहाँ गैस प्राइस काफी ज्यादा है। यहाँ के लोगों में अपने काम के प्रति ईमानदारी बाकी देशों के तुलना में काफी ज्यादा है। यहाँ पुरुष और महिलाओं के अधिकारों में समानता रखी जाती है। नॉर्वे सरकार बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति काफी सजग है। यहाँ पर हेल्थ और बेरोजगारी के लिए बहुत सारी बेहतरीन सुख सुविधाएं मौजूद हैं। इसी कारण नॉर्वे की शिक्षा का स्तर भी काफी ऊंचा है। दोस्तों, क्या आप लोग कभी नॉर्वे घूमने गए हैं? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और साथ में ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो देखने के लिए